Good morning, everybody. I'm Pramod Jaiswal. Today I'm going to teach you once again agreement of the verb with subject. पिछले क्लास भी इसके पहले भी हमने यही टॉपिक लिया था, agreement of the verb with subject. ये फिर उसी के कंटिन्यूएशन में है. उम्मीद है आप लोग को पसंद आया होगा. सो लेट्स डिस्कस वन बाय वन. रूल नहीं, कॉन्सेप्ट को समझना है, तरीके को समझना है. रूल तो याद रखना ही है. One of my students live next door to his aunt. अब देखना है कहाँ फर्स्ट पार्ट में मिस्टेक है, कि सेकेंड में है, कि थर्ड में है, कि फोर्थ में है, कि नो एरर. दैट इज वॉट यू हैव टू पॉइंट आउट, वेयर इज द एरर. तो वन ऑफ माई स्टूडेंट्स, जब भी ये भी मिस्टेक लोग करते हैं स्टूडेंट लोग, वन ऑफ माई स्टूडेंट है एस है ये, ठीक है. लिव नेक्स्ट डोर, तो ये लिव, तो वन जब है यहाँ तो वन स्टूडेंट है, वन स्टूडेंट के साथ, तो यही तो मिस्टेक है. यहाँ लिव्स होगा, LIVES, लिव्स. ये वन है, सिंगुलर है, तो वर्ब भी सिंगुलर होगा, लिव्स नेक्स्ट डोर. सो एरर किस में है? पॉइंट नंबर टू में है, टू हिज आंट. तो यही एग्रीमेंट ऑफ द वर्ब विथ सब्जेक्ट. सब्जेक्ट कैसा है? वन है, सिंगुलर है, तो वर्ब भी सिंगुलर होगा. नेक्स्ट वन, सेकेंड वन, ऑल द डिक्शनरीज, यहाँ देखो ऑल है, ये प्लूरल है, विच हैव बीन ऑन द टेबल. हैव भी ठीक है, डिक्शनरीज है तो हैव, ये भी ठीक है. ऑल द डिक्शनरीज ये भी ठीक है, ऑन द टेबल ये भी ठीक है, बाय द विंडो ये भी ठीक है. नीड्स, यर वर्ब इज नीड्स. अब नीड्स देखना है कि करेक्ट है कि नहीं. यहाँ डिक्शनरीज है सब्जेक्ट, नीड्स का सब्जेक्ट डिक्शनरीज है, तो ये प्लूरल है, तो वर्ब भी प्लूरल होना चाहिए. तो नीड्स नहीं होकर क्या होना चाहिए? नीड होना चाहिए, इट शुड बी नीड. तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर, पॉइंट नंबर फोर में मिस्टेक है, इजंट इट? पॉइंट नंबर फोर में मिस्टेक है. तो इसी तरीके से यू हैव टू स्टडी. थोड़ा स्पेस बना लो इस डिस्कशन के लिए. क्वेश्चन नंबर थ्री देखते हैं क्या है. 20 miles आर नॉट अ ग्रेट डिस्टेंस इन दीज डेज ऑफ रैपिड ट्रैवल. 20 miles प्लूरल है, 20 miles के साथ तो यहाँ देख रहे हैं आर है, माइल्स प्लूरल है, आर ये भी ठीक है, डिस्टेंस इन दीज डेज ये भी ठीक है, ऑफ रैपिड ट्रैवल. लेकिन एक मिस्टेक हम लोग को पकड़ना है कि 20 miles जो है वो 20 नहीं है, ये एज अ होल है. होल माने वन, दिस इज ट्रीटेड एज वन. तो वन के साथ आर इज इनकरेक्ट. जब एक होल हो गया तो एक चीज हो गया, तो इसलिए 20 miles इज, तो यहाँ ये मिस्टेक है, ये सब्जेक्ट और वर्ब एग्री नहीं कर रहा है आर. सो दिस इज द मिस्टेक. नाउ क्वेश्चन नंबर फोर. अ ग्रुप ऑफ पीपल वर सिटिंग एट द स्ट्रीट कॉर्नर. वेरी सिंपल सेंटेंस. अब एरर कहाँ है ये समझना है आराम से. तो अ ग्रुप ऑफ पीपल, पीपल यहाँ है, वर है, ये दोनों तो मैच कर रहा है, ठीक है. वर सिटिंग एट द स्ट्रीट, लेकिन यहाँ पर सब्जेक्ट पीपल नहीं है, पीपल इज नॉट द सब्जेक्ट, ग्रुप है, ये कलेक्टिव नाउन हो जाता है, तो ग्रुप सब्जेक्ट है. तो ग्रुप के लिए तो मंगल वन हो गया, ग्रुप इज वन ग्रुप है, तो ग्रुप के साथ तो वर नहीं ना होगा. ग्रुप के साथ क्या होगा? वॉज, सिंगुलर. दिस इज द मिस्टेक, टू में मिस्टेक है, दिस इज द करेक्ट आंसर. तो इस तरीके से एक एक करके हम लोग डिस्कस करते जाएंगे, है ना. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फाइव. इट इज वन ऑफ द बेस्ट बुक्स. इट सिंगुलर, वन ऑफ द बेस्ट बुक्स, उन बुक्स में से एक, दैट हैव बीन रिटन,
It is one of the best books that have been written. तो यहाँ दैट किसको रेफर करता है ये देखना है. दैट किसको रेफर कर रहा है? तो बुक्स को रेफर कर रहा है. हाँ देखिए यही कंफ्यूजन है. यहाँ सब्जेक्ट इट हैव का इट नहीं है, बुक्स है, रिलेटिव हो जाता है. दैट हैव जो लिखे गए हैं, गया है नहीं, लिखे गए हैं. बुक्स बहुत सारा है, उनमें से ये एक है. इतने सारे बुक्स जो लिखे गए हैं उनमें से ये एक है. ये एक बुक है. फॉर इंस्टेंस दिस इज वन बुक. ऐसे बहुत सारे लिखे गए हैं, उनमें से ये एक है. इट इज वन ऑफ द बेस्ट बुक्स दैट हैव रिटन, दैट हैव बीन रिटन. इट शुड बी दैट हैव बीन रिटन. यहाँ पे मिस्टेक हो गया. इट शुड बी That have been written. Four है, no error भी है, five. तो हम क्या कहेंगे इसमें कि ये mistake नहीं है इसमें, no error. तो number five correct answer है. Getting it? So you have to understand कहाँ पे mistake है. Number six, the percentage of good leaders. तो लीडर्स बहुत से स्टूडेंट समझेंगे, हैं तुम लोग समझोगे कि लीडर्स सब्जेक्ट है तो आर करेक्ट है. नॉट वेरी हाई इन द स्टेट. तो लेकिन सब्जेक्ट क्या है? लीडर्स नहीं सब्जेक्ट, परसेंटेज सब्जेक्ट है. तो परसेंटेज कह रहा है कि परसेंटेज जो है वो आर नॉट वेरी हाई. आर नॉट वेरी हाई परसेंटेज किसका? ऑफ लीडर्स. तो लीडर्स सब्जेक्ट नहीं है, परसेंटेज सब्जेक्ट. तो परसेंटेज तो सिंगलर है इसलिए आर नहीं होगा, इज होगा. तो मिस्टेक किसमें है? पॉइंट नंबर थ्री में है मिस्टेक. इज इट क्लियर? कोई दिक्कत? आई होप दिक्कत नहीं होनी चाहिए. और अगर होता भी है तो उसको समझना है. ठीक. द नेक्स्ट क्वेश्चन. द टीचर विथ हिज टू सन्स. टीचर भी है, दो सन्स भी है. तो आर डूइंग रिसर्च. तो आर डूइंग वर्ब है. तो तुम समझ रहे हो कि टीचर भी है, टू सन्स भी है, तो आर तो करेक्ट है. अब यहां पर रूल आता है एक, जो कि रूल आपको ध्यान देना है. रूल क्या है? कल भी हमने पिछले वीडियो में बताया था कि जब दो सब्जेक्ट ज्वाइन करेंगे, व्हेन टू सब्जेक्ट्स, एक सब्जेक्ट ये है प्लस अनदर सब्जेक्ट ये, ज्वाइंड बाय विथ along with as well as. तो यहां with से joined है. तो this takes singular verb. ये क्या लेता है? singular verb लेता है. मतलब the teacher with his two sons is doing verb. आर नहीं होगा. दैट मीन्स इसमें मिस्टेक है. पॉइंट नंबर थ्री में, थर्ड पार्ट में मिस्टेक है. चलो और नेक्स्ट करते हैं. आइदर ऑफ द टू बॉयज. हाँ, आइदर ऑफ द टू बॉयज आर एलिजिबल. बॉयज टू, उनमें से एक एलिजिबल है. एलिजिबल मीन्स फिट है फॉर सेलेक्शन फॉर द पोस्ट. तो आइदर दिस बॉय और दैट बॉय, वैसे नहीं करके हम क्या कह रहे हैं? आइदर ऑफ द बॉयज कह रहे हैं.
आइदर, इसको ऐसे भी हम कह सकते थे, तो आइदर तो एक हो गया ना, वन, तो आर तो नहीं ना होगा, इज होगा, क्योंकि वन से रिलेटेड है तो इज होगा, तो दैट मीन्स द मिस्टेक इज इन दिस वन, द मिस्टेक इज इन दिस वन. नाउ लेट्स टेक अनदर वन. द हॉर्स एंड कैरेज हैव बीन स्टैंडिंग. ये जी, ये भी अजीब टाइप का है, दो है, हॉर्स भी है कैरेज है, तो हैव तो सही लग रहा है क्या, कितने लोग कहेंगे कि सही है, हाँ सर सही है. लेकिन अगेन रूल्स, बहुत सारे रूल्स गवर्न कर रहे हैं, इसमें कैसे हम लोग समझेंगे. यहाँ तो जैसे राम एंड श्याम तो बोलते हैं आर स्टैंडिंग, राम एंड श्याम दोनों मिलकर प्लूरल है, तो फिर यहाँ कैसे, ये भी तो ठीक है. तो यहाँ पे द हॉर्स एंड कैरेज एक साथ एक माना जाता है, इसको वन, इसको एक माना जाता है. जैसे टाइड एंड टाइम, टाइड एंड टाइम वेट्स फॉर नन, वेट्स, ये दोनों को एक साथ माना जाता है, दोनों को एक साथ माना जाता है. दूसरी तरीके से द हॉर्स एंड कैरेज, कैरेज बिना हॉर्स के नहीं चल सकता है, हॉर्स अकेले तो घूमेगा, माल लेके नहीं चल सकता है, आदमी को लेकर नहीं ढो सकता है, कितना, एक आदमी दो आदमी. तो दैट्स व्हाई हॉर्स एंड कैरेज का कॉम्बिनेशन है, तो ये हैव नहीं होगा, क्या होगा, हैज बीन स्टैंडिंग. तो वी शैल बी डिस्कसिंग मोर क्वेश्चंस रिगार्डिंग दिस, एंड दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट्स ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज. Because subject and verb, the initial stage, the first sentence you write, the examiner can gather about you. He will make an opinion. Kitna points aapko aayega, kaisa aapke, kis slab mein aap hain. So, umeed hai aap logo ko pasand aaya hoga. Pasand aaya, to like kijiye, among your friends share kijiye. Aur chahte hain ki continuous hum dete rahein, to हमेशा नोटिफिकेशंस मिलते रहेगा, तो सब्सक्राइब फॉर माय चैनल. थैंक यू, हैव अ नाइस टाइम.